हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इनमें से कौन एपी है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उसका कॉमन डिफरेंस डी निकालो और राइट 3 मोर टर्म, और अगली 3 टर्म भी बताओ। ठीक है, तो यानी कि एपी का मतलब है फ्रेंड, जितनी भी हमें मैथमेटिकल सीरीज दी जाएंगी उनके बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, सेम होगा किसी भी लेवल पे। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को डिफाइन किया गया है डी से। तो पहले हमें डी निकालना है, अगर वो हर लेवल पे एक जैसा आता है तो आगे की 3 टर्म और बतानी है। देखो, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, सेकेंड अंडर रूट 6, फर्स्ट अंडर रूट 3, थर्ड अंडर रूट 9, सेकेंड अंडर रूट 6। अब 6 को मैं ऐसे ले सकता हूँ रूट 3 और रूट 2, और 3 दूने कितना होता है, 6 ही होता है। 9 को मैं ऐसे ले सकता हूँ 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तीन कितना होता है 9। 6 को मैं ले सकता हूँ 3 गुणा 2, यानी 3 दूनी 6 होता है, यानी मैंने सबको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब देखो रूट 3 इसमें है, रूट 3 इसमें है, मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचा, रूट 2, ये तो बाहर आ चुका, इसकी जगह कितना बचेगा 1। रूट 3 इसमें है, रूट 3 इसमें है, कॉमन निकाला, यहाँ कितना बचा अंडर रूट 3, ये तो बाहर आ चुका, ये भी बाहर आ चुका, यहाँ कितना बचा अंडर रूट 2। तो क्या देखो, रूट 3 रूट 3, 2 रूट माइनस 1 या रूट 3 माइनस रूट 2 सेम नहीं आ रहे हैं, तो ये एपी नहीं होगी। अगर दोनों सेम आ जाते एपी होती, और एपी होती तो अगली 3 टर्म हम फाइंड करते। ठीक है, तो अभी फिलहाल फाइंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि एपी नहीं है ये। तो अब चलते हैं इसके अगले पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसका, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। स्क्वायर का मतलब है इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है 9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 25, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 49। तो मेरी सीरीज है कुछ ये, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर ये एपी है तो अगले टर्म बतानी पड़ेगी, उसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, डी। और डी निकालने का तरीका, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, सेकेंड कितनी है 9 और फर्स्ट कितनी है 1, थर्ड कितनी है 25 और सेकंड कितनी है 9, 9 में से 1 गया 8, 25 में से 9 गया कितना है 16, क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो इट इज़ नॉट एपी, यह एपी नहीं है। इसमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा, इट इज़ नॉट एपी, यह एपी नहीं है। ठीक, अगर एपी नहीं है तो फिर अब हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना है। तो इसका अगला पार्ट दे रखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। तो पहले फ्रेंड हमें इसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 5 5 ज़ा 25, 7 7 ज़ा 49, 73 का 73। ठीक है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। तो पहले डी निकालेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड, सेकंड कितना है 25, फर्स्ट कितना है 1, थर्ड है 49, सेकंड कितना है 25। ठीक है, माइनस किया कितना आया 24, माइनस करा 24, दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब एपी तो है, इट इज़ एपी, यह एपी है। अगर एपी है तो अगले टर्म बतानी पड़ेगी, यानी कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। तो फिफ्थ टर्म का तरीका क्या होता है, पहले लिखो फोर्थ टर्म, उसमें ऐड कर दो डी को, तो मेरी फोर्थ टर्म कितनी है 73, इसमें ऐड कर देंगे 24 को। ठीक है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 97। सिक्स्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म के लिए फिफ्थ में ऐड कर दो डी को,
फिफ्थ कितनी आई, 97 प्लस कर दो 24 को, दोनों को प्लस कर दें कितना आ जाएगा 121। सेवन्थ टर्म, सेवन टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्स टर्म प्लस में डी, अब सिक्स कौन सी है 121, ऐड कर दो 24 को कितना आ जाएगा 145, और यही हमें निकालना था। और इसी के साथ फ्रेंड मेरी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, और अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके बाय बाय, थैंक यू।